ये वीडियो चैप्टर 5 का पहला हिस्सा है। इसमें हम एंगुलर मोशन को स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, और इस वीडियो में हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर एक्सेलरेशन को देखेंगे। इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट एंगुलर वेलोसिटी है, जो उसूली तौर पर डिस्प्लेसमेंट के बाद डिस्कस किया जाना चाहिए, मगर ये वीडियो चूंकि बहुत लंबी थी इस वजह से उसको एक अलग पोर्शन में मूव कर दिया गया है, जो चैप्टर 5 का दूसरा हिस्सा होगा। हमें पता है कि जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है इसी तरह सर्कुलर मोशन में, और जमीन के गिर्द चांद एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। अगर हम छोटे स्केल पर जाकर एटम्स को देखें तो न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर मोशन बना रहे होते हैं। अगर हम जमीन की सतह पर देखें तो हमें सर्कुलर मोशन की नेचुरल और मैन मेड चीज़ों में बहुत सारी एग्जाम्पल्स नजर आती हैं, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल व्हील की है। व्हील जब ईजाद हुआ तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें इंसान ने ईजाद की। तो हम देखते हैं कि एंगुलर मोशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट तरह का मोशन है, जो कि नेचर में भी बहुत अकर करता है और मैन मेड चीज़ों में भी बहुत अकर करता है। इसको स्टडी करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जैसे हम नॉर्मल मोशन लीनियर मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमने डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तीन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स डिफाइन किए थे, हम एंगुलर मोशन को स्टडी करने के लिए इनसे रिलेटेड खास वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन, इस तरह कि हमारी एंगुलर मोशन से रिलेटेड कैलकुलेशंस आसान हो जाएं। तो ये हम देखते हैं इस लेक्चर में। लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हमने कैसे डिफाइन किया था कि अगर दो पॉइंट्स के बीच में एक चीज मूव करती है, उसका कोई भी पाथ हो टेढ़ा मेढ़ा, उन दो पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होती है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम जरा मुख्तलिफ अंदाज में डिफाइन करेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमें पता है कि एक सर्कल में होती है। अब जरूरी नहीं है कि वो पूरा सर्कल हो, वो सर्कल का एक हिस्सा भी हो सकता है। इस सर्कल को मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, इस सर्कल के ऊपर अगर दो पॉइंट्स की मैंने लोकेशन बतानी है, तो फर्स्ट करें हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो पहले पॉइंट ए पे थी, तो मैं कह सकती हूँ कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ए क्या एंगल बना रहा है। इसको मैं अगर इनिशियल एंगल कह दूँ, और फिर ये चीज़ एंगुलर मोशन करती हुई पॉइंट बी पे चली गई, पॉइंट बी का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो थीटा एफ है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेरी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक सफर करने में मेरी ऑब्जेक्ट ने जो एंगल कवर किया इस सर्कल के सेंटर पे, वो मेरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। और इसको मैं अगर डेल्टा थीटा कहूँ तो ये बराबर होगी फाइनल एंगल माइनस इनिशियल एंगल, और हम इसकी यूनिट SI यूनिट रेडियन है, इसको रेडियन में मेजर करते हैं। रेडियन के ऊपर हम अगली स्लाइड में डिस्कशन करेंगे। इस वक्त मैं आपको इसकी डायरेक्शन बताना चाहती हूँ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से पता कर सकते हैं। कोई भी चीज़ जब रोटेट करती है तो उसका एक एक्सेस ऑफ रोटेशन होता है, एक सेंटर होता है जिसके गिर्द वो पाथ बना रही होती है। इस सेंटर को अगर मैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जो मेरा ऑब्जेक्ट का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर मैं इस सेंटर में से एक लाइन खींचूँ, तो उस लाइन को कहते हैं एक्सेस ऑफ रोटेशन। एक्सेस ऑफ रोटेशन को अगर मैं अपने राइट हैंड में पकड़ूं और मैं अपनी राइट हैंड की उंगलियों को डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो कि या काउंटर क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज होगा, उसमें कर्ल करूं, फर्स्ट करें ये काउंटर क्लॉकवाइज है, तो मेरा अंगूठा अलोंग द एक्सेस ऑफ डायरेक्शन मुझे बताएगा मेरी डायरेक्शन ऑफ मोशन या डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या वो ऊपर होगी या वो नीचे होगी। अब हम यूनिट्स पे बात करते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के यूनिट होते हैं रेडियन। हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि ये इसका SI यूनिट है, और इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। अगर हमारे पास एक सर्कल हो जिसका रेडियस R है, इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे एक आर्क है जिसका जिसकी लेंथ इसके रेडियस सर्कल के रेडियस के बराबर है, तो ये आर्क उस सर्कल के सेंटर पे जो एंगल प्रोजेक्ट करेगा वो होगा 1 रेडियन। तो रेडियन की ये डेफिनेशन है। अब अगर मैं इस सर्कल पे मूव करना शुरू करती हूँ, फर्स्ट करें ये इस येलो लाइन से मैं इसके ऊपर मूव कर रही हूँ कर रही हूँ कर रही हूँ, जब मेरी आर्क लेंथ रेडियस के बराबर हुई तो मैंने 1 रेडियन कवर कर लिया, मगर मैं आगे चलती जा रही हूँ आगे चलती जा रही हूँ, मैं एक इनडेफिनेट पाथ कवर करती हूँ, मुझे नहीं पता मैंने कितने रेडियंस कवर किए हैं। क्या मैं बता सकती हूँ कि मैंने कितने रेडियंस कवर किए हैं? लेट से मैं इस पाथ को एस कहती हूँ। अगर मैं एस को डिवाइड कर दूँ आर से, आर जो कि 1 रेडियन है, तो मेरे पास एंगल आ जाएगा, मुझे पता चल जाएगा कितने रेडियंस है। मैंने इस येलो पाथ को इस व्हाइट पाथ से डिवाइड कर दिया तो ऑब्वियसली मेरे पास थीटा आ जाएगा रेडियंस में, मुझे पता चल जाएगा मैंने कितने रेडियंस सफर किए पे सफर किया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, ये रिलेट कर रहा है जो मैंने डिस्टेंस कवर किया उस सर्कमफ्रेंस के ऊपर, इसको रिलेट कर रहा है जो मैंने एंगल कवर किया उसके साथ, और ये एंगल हमेशा रेडियंस में होता है। ये रिलेशनशिप हमारे काम आएगा आगे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को रिलेट करने
के लिए उनके एंगुलर काउंटर पार्ट्स के साथ. अ बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल कंप्लीट्स टू रेवोल्यूशंस. एक बॉडी थी, उसने एक सर्कल कंप्लीट किया, उसके बाद उसने दूसरा सर्कल कंप्लीट किया, वो वापस अपनी जगह पे आ गई. If the radius of the circular path is r, then the ratio of displacement to the covered path, displacement divided by covered path जो है वो distance होता है. उसने कितना distance covered किया. तो इनकी ratio हमने बतानी है, इन चारों options में से कौन सी है. सबसे पहले हम देखते हैं कि displacement कितनी है. जब एक चीज वापस अपनी जगह पे आ गई तो उसकी displacement zero होगी. एक circle या किसी भी closed path में उसकी displacement zero होती है, क्योंकि displacement होती है वो चीज अपनी जगह से कितनी हटी हुई है. तो displacement हो गई zero. डिवाइड किया डिस्टेंस से, डिस्टेंस उसने कितना कवर किया जब उसने दो रेवोल्यूशंस की. एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियंस होता है, दो रेवोल्यूशंस में 4 पाई रेडियंस होता है, मगर मैंने डिस्टेंस लेना है जो कि मीटर्स में होता है. मैं एंगल्स को मीटर्स में कन्वर्ट करूंगी अपने रिलेशनशिप से. एस इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा में 4 पाई रिप्लेस करूंगी. एस इज इक्वल टू रेडियस क्या है, कैपिटल आर, कैपिटल आर. थीटा क्या है, 4 पाई. तो टोटल मेरे डिस्टेंस 4 पाई आर है, 4 पाई आर. मगर ये रेशो डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस जीरो हो जाएगी, क्योंकि जीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज जीरो. आंसर मेरा है ऑप्शन सी, जीरो. जब तक हमें ये बात नहीं पता होगी कि डिस्प्लेसमेंट सर्कल में जीरो होती है, हम बाकी ऑप्शंस के साथ कंफ्यूज हो सकते हैं, मगर इसका आंसर है जीरो. इफ अ व्हील ऑफ रेडियस आर टर्न्स थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज देन द डिस्टेंस थ्रू विच एनी पॉइंट ऑन इट्स रिम मूव्स. एक व्हील है जिसका रेडियस आर है, वो 30 डिग्री मूव करता है, तो जाहिर है उस पर हर पॉइंट 30 डिग्री मूव करता है. वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि जब 30 डिग्री मूव किया तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया. डिस्टेंस और एंगल को रिलेट करने के लिए हमारे पास रिलेशनशिप है s इज इक्वल टू r थीटा, जिसमें थीटा रेडियंस में होता है और s और r मीटर्स में होता है. तो इस रिलेशनशिप को अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आपको थीटा को रेडियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ये डिग्रीज में है, इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना है. हम कैसे करेंगे, हमें पता है फुल सर्कल कितना होता है, 2 पाई रेडियंस या 360 डिग्रीज. तो हाफ कितना होता है, पाई रेडियंस और 180 डिग्रीज. तो मैं इसको आसानी के लिए पाई 180 के बराबर होता है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि 30 डिग्रीज कितने रेडियंस के बराबर होता है. इसके लिए मैं 180 को 30 से डिवाइड करके देखती हूँ क्या आता है. 3 6 18 होता है. इसका मतलब है अगर मैं 180 को दोनों साइड्स पे 6 से डिवाइड कर दूंगी तो 6 1 6 6 3 18 मेरे पास 30 डिग्री बराबर हो गया पाई बाय 6 रेडियंस के. इसको मैं पुट करती हूँ इस रिलेशनशिप में, ऐसा आ जाएगा मेरे पास r टाइम्स थीटा कितना है, पाई बाय 6. तो डिस्टेंस कवर्ड मेरे पास है ये चीज पाई बाय 6 r. मैं देखती हूँ ये ऑप्शन मेरे पास मौजूद है, ऑप्शन बी मेरे पास मौजूद है. ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को देखते हैं, इनमें क्या मसला है. इसमें हमें 30 लिखा हुआ नजर आ रहा है, 180 लिखा हुआ नजर आ रहा है, जो कि 30, 60, 180 ये डिग्रीज होती हैं. साथ हमें पाई लिखा हुआ नजर आ रहा है. जब पाई में चीजें होती हैं तो अक्सर वो रेडियंस में होती हैं, तो इसकी कोई सेंस ही नहीं बन रही. पाई के साथ 30 नहीं लिखा था, पाई के साथ अक्सर पाई बाय 3 लिखा होगा, पाई बाय 2 लिखा होगा, पाई बाय 4 लिखा होगा. इस तरह एंगल रेडियंस में होते हैं, और जब 30, 160 होता है तो वो डिग्रीज में होते हैं. तो इन दो ऑप्शंस की सेंस ही नहीं बन रही, इनको मैं एज इट इज रूल आउट कर सकती हूँ. ऑप्शन वन, अगर हम इस कैलकुलेशन में गलती करें ना, जब हम रेडियंस को डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करें, और इसमें बहुत ज्यादा चांस होता है गलती करने का, अगर आप ध्यान से नहीं देखते कि किस नंबर से डिवाइड करना है, तो हमारे पास गलती से हम पाई बाय 3 के साथ कंफ्यूज हो सकते थे, मगर ध्यान से हमने की कैलकुलेशन और हमारे पास करेक्ट आंसर है पाई बाय 6 रेडियंस. 1 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्रीज. हमने एक रिलेशनशिप देखा था कि जो जब हम एंगुलर मोशन कर रहे होते हैं तो जो हमारी आर्क लेंथ होती है इसको अगर हम एस कह दें, तो ये एस को अगर हम आर से डिवाइड करें तो हमारे पास थीटा आ जाता है रेडियंस में. जब एक पूरा सर्कल कवर करते हैं तो कितना लीनियर डिस्टेंस कवर होता है, ये बराबर होता है सर्कल के सर्कमफ्रेंस के. सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता है, ज्योमेट्री से हमें पता है. इस 2 पाई आर को हम डिवाइड करें आर से, तो हमारे पास आर आर से कट के 2 पाई रेडियंस आ जाता है. इससे पता चला कि जब हम एक पूरी रेवोल्यूशन मुकम्मल करते हैं तो हम 2 पाई रेडियंस का एंगल कवर करते हैं. इसको अब हम डिग्रीज में कन्वर्ट करना चाहते हैं. 2 पाई रेडियंस को हम एक पूरे सर्कल में कितनी डिग्रीज होती हैं, 360 डिग्रीज होती हैं. तो 1 रेडियन किसके बराबर हुआ, 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई.
ये बराबर होता है 57.3 डिग्रीज के। तो हमारा ऑप्शन बी जो है ठीक है, बाकी सब ऑप्शंस गलत हैं। ये कैलकुलेशन की बात है, 2 पाई को हमने 360 को डिग्रीज को हमने 2 पाई रेडियन से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ये आंसर आया। यूजफुल यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन एस आई यूनिट इज, अब उन्होंने एस आई यूनिट में बेसिकली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट पूछा है जो कि है रेडियंस। बाकी मीटर तो एंगल का यूनिट ही नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। रेवोल्यूशन और रोटेशन में हम एंगल्स मेजर कर सकते हैं। रेवोल्यूशन और रोटेशन का एक ही मतलब होता है कि जब एक पूरा सर्कल कंप्लीट करते हैं तो हमारे पास एक रेवोल्यूशन या एक रोटेशन आती है, मगर ये एसआई यूनिट नहीं है, इसलिए उन्होंने हमसे एसआई यूनिट पूछा है जो कि रेडियंस है। एंगुलर एक्सेलरेशन, हम एक पंखे की एग्जाम्पल लेते हैं। पंखा ऑन करते हैं, पहले आहिस्ता होता है फिर तेज हो जाता है, यानी उसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही होती है। पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जब वो मूव कर रहा है तो पॉइंट ए पे उसकी एक इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा आई टी आई के ऊपर, और फाइनल पॉइंट के ऊपर भी उसकी एक इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है। एंगुलर एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन की तरह रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी डायरेक्शन राइट हैंड रूल से दी जाती है। एक्सेस ऑफ रोटेशन को अपने राइट हैंड में पकड़ें, उंगलियां डायरेक्शन ऑफ मोशन में कर्व करें तो ऊपर या नीचे अलोंग द एक्सेस ऑफ रोटेशन इसकी डायरेक्शन होती है, जो आपका अंगूठा बता रहा होता है। इसको अगर हम रिलेट करना चाहते हैं लीनियर एक्सेलरेशन के साथ, तो जिस तरह हमने लीनियर डिस्प्लेसमेंट को रिलेट किया था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ, और फिर चेंज इन लीनियर डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दिया, क्या आ गया, वेलोसिटी इज इक्वल टू आर टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी। ये दूसरा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप था। अब हम इसको दोबारा से विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिवाइड करते हैं, चेंज इन लीनियर वेलोसिटी आर टाइम्स, ये हमें बता देगा कि लीनियर एक्सेलरेशन बराबर होती है आर टाइम्स एंगुलर एक्सेलरेशन की। तो ये तीनों रिलेशनशिप्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये लीनियर को एंगुलर के साथ रिलेट करके हमें देते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन के यूनिट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होते हैं क्योंकि ये एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम होता है। एंगुलर वेलोसिटी रेडियंस पर सेकंड में मेजर की जाती है, और इसको हम दोबारा से टाइम से डिवाइड करें तो टोटल इसके यूनिट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होते हैं। यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इन एस आई यूनिट इज, एस आई यूनिट में रेडियन होते हैं एंगल, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हमने अभी देखा। रेडियन पर सेकेंड जो है वो वेलोसिटी की होती है, ये गलत है। रेडियन ये इसकी कोई सेंस नहीं बन रही, और सिर्फ रेडियंस एक्सेलरेशन की यूनिट नहीं होती। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड, एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो कि डेल्टा थीटा होता है ये नहीं है। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी तो खुद डेल्टा ओमेगा होती है, ये भी नहीं है, ये तो टाइम से डिवाइड हो रही है। एवरेज एक्सेलरेशन डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी हो सकती है, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन ये हो सकती है, और एंगुलर एक्सेलरेशन तो ये है ही, ये हमें पता है, लेकिन हम इन दोनों में कंफ्यूज हो गए हैं, क्या हम एवरेज सेलेक्ट करें या हम एंगुलर एक्सेलरेशन सेलेक्ट करें। हम एंगुलर एक्सेलरेशन सेलेक्ट करेंगे इसलिए क्योंकि एवरेज एक्सेलरेशन जो होती है वो लीनियर भी हो सकती है और एंगुलर भी हो सकती है। तो अगर हमारे पास ये चौथा वाला ऑप्शन ना होता तो हम एवरेज एक्सेलरेशन सेलेक्ट कर लेते क्योंकि एक केस में ये एवरेज भी होती है, मगर ये इंस्टेंटेनियस भी हो सकती है पहली बात, और दूसरी बात एवरेज एक्सेलरेशन लीनियर भी हो सकती है एंगुलर भी हो सकती है, मगर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी हमेशा एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, तो ऑप्शन डी कंफर्म ठीक है। हमने एंगुलर एक्सेलरेशन डिफाइन की, हमने कहा इसको हम अल्फा कहते हैं और ये चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ओवर टाइम होता है, मगर अगर इस सर्कल में मूव करते हुए एक पॉइंट को देखा जाए तो उसकी एक लीनियर एक्सेलरेशन भी होती है जो कि चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम लीनियर वेलोसिटी होती है। हमने इन दोनों को रिलेट किया, ए बराबर होता है आर टाइम्स अल्फा, यानी लीनियर एक्सेलरेशन आर टाइम्स एंगुलर एक्सेलरेशन है। ये एक्सप्रेशन कहाँ से आया, चेंज इन लीनियर वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम से। मगर अगर मेरे पास एक चीज़ है, एक कोई पंखा है, वो गोल गोल मूव कर रहा है और उसने चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम जीरो है, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, तो क्या उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होनी चाहिए?
होनी चाहिए और ये वाला कंपोनेंट उसकी एक्सेलरेशन का जीरो होता है, मगर एक और तरह की एक्सेलरेशन उसके अंदर फिर भी होती है, उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्योंकि वेलोसिटी के दो दो कंपोनेंट्स होते हैं, वेलोसिटी का एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होती है। मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है इस केस में, मगर डायरेक्शन फिर भी चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि सर्कल में जब कोई चीज़ मूव करती है तो हर हर इंस्टेंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। तो अगर सिर्फ डायरेक्शन भी चेंज हो रही हो तो हम कहते हैं कि वेलोसिटी चेंज हो रही है और उसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, और वो एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाती है। और उसकी इक्वेशन चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम नहीं होती, उसकी कोई और इक्वेशन होती है जो हमारी बुक में नहीं है। तो यानी लीनियर एक्सेलरेशन के दो कॉम्पोनेंट्स हैं एंगुलर मोशन के केस में, एक उसके मैग्नीट्यूड में चेंज की वजह से, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हम उसको कह सकते हैं, और एक उसकी डायरेक्शन में चेंज की वजह से लीनियर एक्सेलरेशन होती है जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। इसके अलावा एंगुलर एक्सेलरेशन है जो बराबर होती है इसके। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दरअसल सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होती है। ये एक ऐसा फोर्स होता है जो एक इस सर्कल में जो बॉडी मूव कर रही है वो दरअसल स्ट्रेट जाना चाहती है, हर हर पॉइंट पे उसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन क्या है, स्ट्रेट, मगर सेंट्रीपिटल फोर्स उसको फोर्स करता है कि वो बेंड हो जाए, सर्कल में मूव करे, और ऐसा हर हर पॉइंट पे हो रहा होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही होती है, और सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर उस बॉडी को पुल कर रहा है। इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होती है, और उसकी डायरेक्शन भी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है। इस पॉइंट पे हम जितनी एक्सेलरेशन पढ़ी हैं उन सब की डायरेक्शन कंपेयर कर लेते हैं ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। एक एंगुलर एक्सेलरेशन है जिसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से देते हैं, अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, या ऊपर होती है या नीचे होती है। दूसरी एक्सेलरेशन थी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो कि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज की वजह से होती है। उसकी डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ मोशन पर डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट या जो डिस्टेंस वो चीज ट्रेवल करी है उसके क्या डायरेक्शन है उसके ऊपर डिपेंड करती है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। तीसरी एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है हमेशा। अ बॉडी कैन हैव कॉन्स्टेंट वेलोसिटी व्हेन इट फॉलोज एलिप्टिकल पाथ, पैराबोलिक पाथ, सर्कुलर पाथ या रेक्टिलिनियर पाथ। इनमें से तीन ऑप्शंस में जो पाथ है वो कर्व्ड है, एलिप्टिकल में भी, पैराबोलिक में भी और सर्कुलर में भी। रेक्टिलिनियर स्ट्रेट लाइन होता है, सिर्फ एक डायमेंशन में मोशन को रेक्टिलिनियर कहते हैं, या एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस में। तो वेलोसिटी कब चेंज होती है, जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन चेंज हो रही हो, और डायरेक्शन हम अज्यूम करते हैं हमें मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ नहीं पता है, सबका मैग्नीट्यूड अगर सेम भी है तो तीनों तीन केसेस में डायरेक्शन चेंज हो रही है। सिर्फ चौथा एक ऐसा केस है जिसमें ये पॉसिबिलिटी है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज ना हो रहे हों, तो तब कॉन्स्टेंट वेलोसिटी हो सकती है ऑप्शन डी में।